सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आती महोत्सव का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रीय मंच पर जनजाति संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी देश की जनजाति आबादी के कल्याण के लिए कदम उठाने में सबसे आगे रहे हैं। देश के विकास में उनके योगदान का उचित सम्मान भी करते हैं। यह महोत्सव जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत जनजाति सहकारी विवरण विकास संघ लिमिटेड की एक वार्षिक पहल है। यह आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाने वाला महोत्सव है। पेड़ों से, जंगलों से, नदियों से, पहाड़ों से हमारी पीढ़ियों का रिश्ता जोड़ सकते हैं। हम कैसे प्रकृति से संसाधन लेकर भी उसे संरक्षित करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं, इसकी प्रेरणा हमारे आदिवासी भाई बहन हमें लगातार देते रहते हैं। और यही बात आज भारत पूरे विश्व को बता रहा है। साथियों, आज भारत के पारंपरिक और खासकर जनजातीय समाज द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आज पूर्वोत्तर के प्रोडक्ट्स विदेशों तक में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज बैम्बू से बने उत्पादों की लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपको याद होगा, पहले की सरकार के समय बैम्बू को काटने और उसके इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगे हुए थे। हम बैम्बू को घास की कैटेगरी में ले आए और उस पर सारे जो प्रतिबंध लगे थे उसको हमने हटा दिया। इससे बैम्बू प्रोडक्ट्स अब एक बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं। ट्राइबल प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बाजार तक आए, इनकी पहचान बढ़े, इनकी डिमांड बढ़े, सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों में 3000 से ज्यादा वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। 2014 से पहले ऐसे बहुत कम लघु वन उत्पाद होते थे जो एमएसपी के दायरे में आते थे। अब ये संख्या बढ़कर 7 गुना हो गई है। अब ऐसे करीब 90 लघु वन उत्पाद है जिन पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दे रही है। 50,000 से ज्यादा वनधन स्वयं सहायता समूह के जरिए लाखों जनजातीय लोगों को इसका लाभ हो रहा है। देश में जो स्वयं सहायता समूहों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा है, उसका भी फायदा आदिवासी समाज को हुआ है। 80 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस समय अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। इन समूहों में 1.25 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल मेंबर्स हैं, उसमें भी हमारी माताएं बहनें हैं। इसका भी बड़ा लाभ आदिवासी महिलाओं को मिल रहा है। भाइयों और बहनों, आज सरकार का जोर जनजातीय आर्ट्स को प्रमोट करने। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, आज दिल्ली में
प्रधानमंत्री मोदी ने आदि महोत्सव का आयोजन किया, उसका उद्घाटन किया, क्या कुछ खास देखने को मिला? देखिए, आर्य महोत्सव की शुरुआत 11 फरवरी यानी आज से हुई है और 27 जनवरी तक 27 फरवरी तक प्रोग्राम चलेगा। लगभग 11 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा और आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का कहना ये है कि आदिवासी वर्ग है, उसके अंदर तमाम तरह के हुनर हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट को लेकर, इनके विकास को लेकर, इनको हुनर बनाने को लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है और उसी के तहत यहाँ पर आदि महोत्सव की शुरुआत की गई है। 16 फरवरी से महोत्सव शुरू होगा, 27 फरवरी तक ये महोत्सव चलेगा। उसमें 28 राज्यों की बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल होंगे और आदिवासी समूह यहाँ पर पकवान भी बनाएंगे, उनके 200 से ज़्यादा स्टॉल भी होंगे और स्टॉल के माध्यम से तमाम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यहाँ पर उनको विकास की मुख्य धारा में लाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। और आज की अगर बात करें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत भी की गई है जो मुख्यतः आदिवासी समूहों के लिए रहेगी। गौरव, अगर देखा जाए तो 2024 का चुनाव नजदीक है और पीएम मोदी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, हर एक वर्ग के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वर्ग के लिए काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम बात करें तो आदिवासियों का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या में है और अभी हमने हाल में ही देखा है कि देश में जिस तरह से एक विचारधारा चल रही है कि आदिवासियों को यहाँ विकास की मुख्य धारा में लाना और इसको देखते हैं बीजेपी से पहले भी तमाम तरह की व्यवस्थाओं को सामने ला चुकी है। अभी हमने देखा है कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो भी आदिवासी वर्ग से आती है, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को विकास में मुख्य धारा में लाने की जो बीजेपी कवायद चल रही है वो यहाँ पर आदि महोत्सव के नाम से भी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसे आदि महोत्सव का जो मेन उद्देश्य यही है कि जो आदिवासियों को उनको उन्नत बनाना है, विकास की मुख्य धारा में आना है, उनको समाज की धारा में जोड़ना है और सबसे महत्वपूर्ण बात है उनके स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाना है, उनकी जो नीति है, उनके उत्पाद हैं उसको बाजार उपलब्ध कराना है, इसके अलावा जो उनकी जो नीतियाँ हैं उसको जनता के बीच लाना, उनकी जो पारंपरिक शैली है, जो संस्कृति है, उसको भी देश के तमाम लोग, तमाम वर्गों के लोग और देश का तमाम भाग उससे रूबरू हो पाए, तो कहीं ना कहीं बेहतर एक शुरुआत यहाँ पर बीजेपी सरकार द्वारा की गई है। कहीं ना कहीं केंद्र के द्वारा इस तरह की योजनाएँ समय समय पर आती रहती है और फिलहाल आदिवासी वर्ग के लिए जो योजना लाई गई है, जो एक महोत्सव लाया गया है, ये बेहतर परिणाम सामने लाने वाला है। मयूरी गौरव, अगर देखा जाए तो पीएम मोदी हर एक मंच से आदिवासियों के लिए बात करते रहते हैं, फिर चाहे वो विकास को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर। गौरव, आपको आवाज आ रही हमारी? गौरव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। और अब बात उस खबर की जिसने कानपुर देहात पर सबका ध्यान केंद्रित किया है। कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन के दौरान मां बेटी की मौत से राजनीति ने एक बार फिर से धर्म जाति का चोला पहन लिया है। गाये बगाये धर्म जाति के नाम राजनेता मुद्दों को भुनाना जानते हैं। इसी कड़ी में कानपुर देहात की घटना तो जैसे सोशल मीडिया का तापमान ही बढ़ा दिया हो। समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरती आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कोई भी मौका नहीं गवा रहे हैं। मां बेटी का अंतिम संस्कार हो चुका है और अंतिम संस्कार पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया में अखिलेश यादव हाथरस को याद करना नहीं भूले। उन्होंने हाथरस की तुलना कानपुर देहात से की। सपा के साथ कांग्रेस और बीएसपी भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है और बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बता रही है। पहले सुनते हैं कि इस घटना पर लोगों का क्या कुछ कहना है। मेरा मानना है कि महिलाओं को संरक्षण मिलना चाहिए एवं इस तरीके की घटना दोबारा ना हो तथा दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा यही मानना है कि ये जो बड़ी घटना हुई है, इस तरह के अत्याचार महिलाओं पर नहीं होने चाहिए, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवानी चाहिए। कानपुर देहात में जिस तरीके से एक घटना हुई है जिसमें माँ बेटी पूरी तरीके से जल गई और उनका घर भी जलाया गया और प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है ये घोर लापरवाही है और इस तरीके से प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। जब घर में माँ, घर में कोई उपस्थित है और आप पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें ये देखना चाहिए था कि अगर घर में कोई उपस्थित है तो हमें बुलडोजर या इस तरीके की घटना को अंजाम देने से बचना चाहिए था। तानाशाही का और उनके बुलडोजर के आतंक का सबसे बड़ा उदाहरण है कानपुर देहात की घटना।
उसका क्या दोष है, क्या अपराध है? आज करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति बड़े बड़े पूंजीपतियों ने कब्जा कर रखी है, लेकिन जातीय विद्वेष से भरा हुआ उत्तर प्रदेश का शासन कृष्ण गोपाल दीक्षित की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने के लिए पहुंच जाता है। और जब वो परिवार बेबस होता है, कोई रास्ता नहीं बचता, तो प्रमिला दीक्षित, कृष्ण गोपाल की पत्नी, उसकी बेटी नेहा दीक्षित, दोनों ने अपने शरीर पर तेल छिड़क कर आग लगा लिया और उस झोपड़ी के साथ जलकर खाक हो गई। शासन प्रशासन की बहुत बड़ी चूक रही है, ये वर्तमान सरकार की चूक है, जो कुछ दबंग लोगों कहने पर एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मण का घर उजाड़ने, बुलडोजर चलाने वो पहुंच गए और आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद तत्पश्चात माँ बेटी मृत हो जाती है और मृत के बाद 24 घंटे तक सो वहीं रखे रहते हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। इसके बाद बहुत समझाने बुझाने के बाद उनका दाह संस्कार हुआ, पोस्टमार्टम हुआ और कल वापस वो लोग 4 बजे लमसम घर वापस आए। इस खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे और कानपुर से हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं लखनऊ से गौरव का रुख करूंगी। गौरव, कानपुर देहात में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या लगता है कि क्या योगी सरकार को ब्राह्मण वोट मिलेगा? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण वोट परंपरागत बीजेपी का वोट बैंक रहा है और कहीं भी यह संदेह नहीं है। अगर बात करें इस वोट बैंक की, तो जब ये कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस की लगातार सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वोट बैंक के बीच में जरूर बसपा के साथ गया था। जब बसपा द्वारा सर समाज की बात कही गई थी, तो यहाँ पर दलित और ब्राह्मण वर्ग के सहयोग से बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी। उसके बाद देखा जा रहा था कि ये वोट बैंक अपनी परंपरागत जगह पर आ गया है, यानी बीजेपी का ये वोट बैंक माना जाता रहा है और बीजेपी के साथ यहाँ पर हो गया है। अगर हम बात चुनावों की बात करें, 2014 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, 22 की बात करें, तो इस वोट बैंक के सारे बीजेपी ने तमाम तरह की चुनावी बैठनी यहाँ पर पार की है। तो कहीं ना कहीं इस वोट बैंक का एक अस्तित्व है और बहुत बड़ा बात यहाँ पर है कि जब ब्राह्मण वोट बैंक होता है, जो वोट वर्ग है जो अगर जाता है किसी पार्टी के साथ में, तो उसके साथ तमाम बड़ी यहाँ पर एक आबादी संघ में लेके जाता है। कारण उसका यह है कि ब्राह्मण वर्ग का एक वोट बैंक का एक व्यवस्था रहती है, जिसके तहत वो अपने खुद तो जाते ही जाते हैं, साथ ही साथ और जो समुदाय उनसे प्रभावित रहते हैं, जो उनको अनुसरण करते हैं, जो उनको मानते हैं, वो वोट बैंक भी उस संबंधित पार्टी के पक्ष में चला जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बात जरूर हो रही है, अखिलेश यादव यहाँ बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी से नाराज है, बीजेपी लगातार योगी सरकार लगातार ब्राह्मण पर अत्याचार कर रही है। पर यहाँ पर अगर हम बात करें मयूरी, तो यह अत्याचार की यहाँ पर विपक्ष बात करता है, विकास दुबे वाले कांड की विपक्ष बात करता है, यहाँ पर खुशी दुबे वाली बात वाली बात की, उनको जो जेल में गई थी और अभी अभी हाल में छूट कराई। तो कहीं ना कहीं विपक्ष यहाँ पर एक मुद्दा बना रहा है कि बीजेपी ब्राह्मण के साथ नहीं हो, ब्राह्मण को अपने पक्ष पर करने की बात है। और मैं आपको बता दूं कि शायद 2022 के चुनाव के पहले भी देखा जा रहा था कि शायद जो ब्राह्मण वर्ग है वो सपा के साथ जाएगा, पर यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग सपा के साथ ना जाएगा, बीजेपी में साथ दिया है और बीजेपी 2022 में फिर यहाँ पर 37 साल पुराने मिथक पटो के सत्ता में आई थी। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो वोट बैंक है उसको लेकर लगातार कवायदें बनी बताई जाती है कि अपने संघ में लिया जाए। पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में बड़ी संख्या में ब्राह्मण वर्ग की बहुत आए थे और बड़े 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 पदों पर ब्राह्मण वर्ग के लोग यहाँ पर आसीन है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ब्राह्मण वर्ग को अपने साथ करने के लिए यहाँ कवायद चल रही है। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़े हुए हैं। अनिल, इतनी बड़ी घटना हुई कानपुर में, मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, ऐसी क्या नौबत हो गई कि एसआईटी का गठन किया गया? जी मैं बता दूं कि जब ये घटना पूरा क्रम होता है, क्रम होने के बाद देश के साथ साथ पूरे सरकार पूरे देश में इस चीज की चर्चा होने लगी और ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा और आम आदमी भी इस विषय में जब बात करने लगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें सामने आना पड़ा। और सरकार में सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया कि इसमें एसआईटी गठित की गई है। हालांकि एसआईटी के गठन सिर्फ उस तरीके से है जैसे एक जब कोई पंडित जब हवन करता है, तो हवन में जब आग ज्यादा हो जाती है तो उसमें पानी छिड़क के उसको आग को कम करने का काम एसआईटी करती है। तो कहीं ना कहीं एक इस प्रकरणों को थोड़ा कम करने के लिए सब कार्रवाई की गई है। हालांकि एसआईटी इससे पहले भी बहुत जांचों में हुई है, हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि एसआईटी में क्या निकल कर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें साफ हैं बिल्कुल कि इसमें मेन आरोपी कौन है। हालांकि इसमें 40 लोग के नाम मुकदमा हुआ है, जिसमें एसडीएम है, लेखपाल है, एसएचओ है,
तो कहीं ना कहीं इसमें लगभग 40 लोग नामजद हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि जब कमिश्नर से हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया तो कमिश्नर का कहना था कि जो भी प्रकरण होंगे हम आपसे अवगत कराएंगे। तो जब एक मंडला आयुक्त को डीएम के बारे में नहीं पता और डीएम को लेखपाल के बारे में नहीं पता और लेखपाल को नीचे के बारे में नहीं पता, तो आखिर किस तरीके से सरकारें अपनी बात, जब बात योगी सरकार और ये दावा करती हैं कि हम सबसे नीचे निचले स्तर तक जाके लोगों से बात करेंगे, तो जब एक मंडला आयुक्त को नीचे की बात नहीं पता है तो आखिर सरकार कैसे इन तक पहुंचेगी। इसी तरीके से जब लगातार आरोप सरकार पे लगते रहे और सपा खुलकर सामने आई और कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन भी किए, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा और झुकने के बाद एसआईटी जांच की गई है। अब एसआईटी के बाद कितनी चीजें क्लियर होती है वो देखने वाली है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और पीड़ित परिवार को जो आर्थिक मदद दी गई है, इसके बाद क्या परिवार का कुछ बयान सामने आया है, वो इस एक्ट जो एसआईटी गठित की गई है इससे खुश है? जी, इसमें जो एसआईटी गठित हुई है उसकी जो उसमें कानपुर के मंडला आयुक्त राजशेखर और एडीजी आलोक सिंह आलोक जी के पास है और ये लोग इसकी पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। हालांकि जब घरवालों से बातचीत हुई तो घरवालों का यही कहना था कि फिलहाल तो हम संतुष्ट हैं क्योंकि सरकार ने हमको जो आश्वासन दिए हैं, आश्वासन के रहते जो भी चीजें अगर सही सलामत हुई तो बहुत बेहतर है। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जब वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घर वालों से बात की, घर वालों से जब मंडला आयुक्त ने वीडियो कॉल पे बात कराई तब जाके वो संतुष्ट हुए थे, तब वो आगे बढ़े थे। नहीं तो उससे पहले की कंडीशन ये थे कि सभी अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए थे क्योंकि ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जाता था पूरे देश में, तो जिसके चलते बस अधिकारियों का सिर्फ इतना था कि किसी तरीके से अंतिम संस्कार हो जाए फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी अनिल, जैसा अभी आपने बताया कि 40 लोग इस पूरे मामले में नामजद हैं, वही एसडीएम के ऊपर कार्रवाई तो की गई लेकिन अज्ञात लिखकर की गई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी मैं बता दूं कि जो उसमें लगभग जो नामजद हुए हैं, नामजद में स्टार्टिंग जो 7 नाम है जो उनके जो परिवारजन है और जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं उनके नाम मुकदमा किया गया है। बाकी एसडीएम का और लेखपाल का और एसओचओ का सभी के नामों को आगे उजागर किया गया है और उनके जो पिता के नाम है और जो उनके पते हैं सभी को अज्ञात घोषित किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का या तो कानपुर देहात के अधिकारियों का एक बड़ा प्लान है कि आगे चलते ही सब चीजें जब कोर्ट में जाती हैं तो कोर्ट में जाने के बाद ये सब चीजें एक प्रश्न का विषय बन जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बचाव में साधन होगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कानपुर देहात के जो जिला अधिकारी नेहा जैन है और उनके आदेश पे ही ये सारी चीजें कृत किए गए थे, और क्योंकि एक लेटर वायरल हो रहा है जिस वायरल में कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन ने खुद ही इस चीज को आदेश किया है एसडीएम को कि इस प्रकरण पर कार्रवाई की जाए, तो कहीं ना कहीं जितना दोषी इसमें कानपुर देहात के एसडीएम है और लेखपाल है एसएचओ है उतना ही दोषी कानपुर देहात के डीएम भी है। जी धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। एक तरफ जहां कानपुर देहात में हुआ अग्निकांड लोगों के ध्यान का केंद्र बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य भी सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल एक चैनल के निजी कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ताओं ने महंत राजू दास पर हमला कर दिया। दोनों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। धक्के मुक्की का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इसी वायरल वीडियो पर आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार और बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इतना ही नहीं, स्वामी ने यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और एक समुदाय के लोग उनको जान से मारना चाहते हैं। क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं आपको। इस तरीके से एटा राजा रामपुर का है, काशगंज का। इसी प्रकार से हिंदू जागरण ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते चप्पल से पीटने की धमकी दी। इसी तरीके से आज यह स्वामी प्रसाद मौर्य का वध कर देंगे, इस प्रकार का बयान हमारे तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के एक साथी ने दिया। संदीप आचार्य ने धमकी दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बम लगा करके ब्लास्ट करके खत्म कर दो। दे रहे हैं, वो आतंकवादी अपराधी हैं,
वो साधु संत कभी नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से एक मंडलाध्यक्ष है जिन्होंने बयान दिया है, भाजपा के मंडलाध्यक्ष है, बयान दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारने वाले के लिए 51,000 रुपए का इनाम। एक साजिश के तहत मैं देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात न करूं, इसलिए एक वर्ग विशेष के यथास्थितवादी ताकतें मिलकर के मेरी हत्या की साजिश में लगी हुई हैं। इस हत्या की साजिश में भाजपा सरकार की भी संलिप्तता है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों संयुक्त रूप से इस साजिश में शामिल हैं। ये तो थे स्वामी प्रसाद मौर्य। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की। आइए सुनाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं जैसे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा हूं, वैसे उसने कहा कि ये भगवा आतंकवादी आ गया, और उसने कहा कि भगवान राम को नहीं मानता, भगवान कृष्ण को नहीं मानता, मैं सनातन को नहीं मानता है। ये सनातनी जहर फैलाते हैं, विष घोलते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। पकड़ो, मारो। इसने मेरे ऊपर मारने के लिए 21 लाख का इनाम रखा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के बीच ऐसा क्या हुआ कि हाथापाई की नौबत आ गई? कार्यक्रम में ये दोनों शिरकत करने गए थे, और इसके बाद निकलने के बाद जिस प्रकार की बातें सामने आई है, एक वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक जो है वो राजू दास के साथ हाथापाई करते नजर आए, उनको दौड़ाते नजर आए। और अगर राजू दास के बयानों की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको भगवा आतंकी कहकर बताया, और अपने साथियों को जो समर्थक है उनको मारने के लिए उनको कहा और प्रेरित किया, जिसके बाद से ये हाथापाई शुरू हुई। मयूरी, मैं आपको बता दूं कि रामचरितमानस की चौपाइयों पर आपत्ति दर्ज कराने के बाद से विवाद लगातार बढ़ते चला गया, जिसके बाद राजू दास ने बकायदा 21 लाख रुपए का इनाम भी रखा था स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर, और लगातार इस बात का विवाद जो है बढ़ता चला गया। कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में लोग खड़े भी हुए, और PGI थाने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जगह पे यहाँ पे रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी चलाई गई, और तमाम सारी चीज़ें जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में अलग अलग दलों द्वारा कहा भी गया। यहाँ की सपा के जो राष्ट्रीय महासचिव बने हैं शिवपाल यादव, उन्होंने भी ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान कह के जो है इस बात से पल्ला झाड़ा, और लगातार समाजवादी पार्टी बैकहेंड पे इनको सपोर्ट करती आई है। लेकिन कल मामला और भी ज़्यादा गर्मा गया जब इन दोनों की आपस में आमना सामना हुआ, और राजू दास के बयान के अनुसार देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ने अपने समर्थकों को ये आदेश दिया इन्हें मारने के लिए, जिसके बाद लगातार हाथापाई फुटेज में भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा मीडिया को यह बताया कि किस तरीके से इनको मारने की योजना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उन्होंने अपने शब्दों में साफ कहा कि कॉन्फ्रेंस की तमाम बातें कही, उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की है प्रशासन से, तो क्या इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है, कोई भी बात सामने आई है? देखिए, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी लखनऊ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को कि उनकी जान को खतरा है और सुरक्षा की मांग कही थी, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई बड़ा स्टेटमेंट किसी बड़े अधिकारी द्वारा नहीं आया है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और प्रमुख सचिव को भी वो चिट्ठी लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में ये बात वो ला चुके हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजू दास का नाम लिया और तमाम आरोप लगाए, इसके बाद पुलिस जो है CCTV फुटेज खंगाल रही है कि पूरा मामला क्या था, वाकया क्या था। अब ये CCTV फुटेज खंगालने के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी, लेकिन एक बहुत बड़ा हमला जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के खिलाफ बोला है, योगी सरकार के खिलाफ किया है, और राजू दास को जो है एक बड़ा हमला करते हुए कहा है कि ये जो लोग हैं वो छद्म वेश में है, महंत के वेश में, ये साधु नहीं बल्कि आतंकवादी है, और तमाम बड़े आरोप राजू दास के ऊपर भी लगाए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।
बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे, बात करते हैं यूपी में चल रही ईडी की छापेमारी की। ईडी की रडार पर यूपी के कई जिलों के एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं। मामला सरकारी योजनाओं के धन के गबन से जुड़ा हुआ है। ईडी को जानकारी मिली है कि जो धन इंस्टीट्यूट के उत्थान के लिए दिए गए थे उनका संस्था ने गलत इस्तेमाल किया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, यूपी के कई जिलों में ईडी द्वारा छापे की कार्रवाई की जा रही है, किन किन जिलों में ये छापेमारी हो रही है? देखिए, मैं भी आपको बता दूं कि ये ईडी की छापेमारी है सुबह से चालू है। लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, फरुखाबाद में ये छापेमारी की घटना हुई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दिव्यांग थे, SC ST लोग थे, जो बच्चे थे उनके लिए छात्रवृत्ति आनी थी, छात्रवृत्ति में गबन के घोटाले को कारण ईडी ने सुबह छापेमारी की है और तकरीबन 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके साथ ही जो डॉक्टर्स हैं, तमाम लोग हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, इससे पीछे जुड़े लोग हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी करके पुलिस ने और ईडी ने छापेमारी की है। और ईडी ने सुबह छापेमारी करके पूरे इलाके को घेर लिया था। यहाँ लखनऊ की बात करो तो हाजिया एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर छापेमारी करके सुबह ही ईडी पहुंची थी। तकरीबन 6 से 7 बजे की बात है, यहाँ पर ईडी के पहुंचने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया था और पुलिस भी वहां पहुंची थी। साथ बात करूं कि तमाम विगत कई दिनों से ये सूचना मिल रही थी ईडी को कि जो दिव्यांग हैं, ST ST लोग, ST ST के जो बच्चे हैं, जो पात्र हैं, क्या बोलते हैं, छात्रवृत्ति की, उनके जो रकम है उनमें घोटाला किया जाता था, सरकारी धन जो मिल रहा था उसमें घोटाला की खबर लगातार सामने आ रही थी। तो ईडी ने यहाँ पर सुबह छापेमारी करके इस घटना को अंजाम दिया है। और फिलहाल देखने वाली बात ये भी बहुत दिलचस्प होगी कि ईडी जो इस छापेमारी के दौरान जो भी तथ्य ईडी को पाए गए हैं, जो भी सबूत मिले हैं, उसके बाद क्या अंजाम होता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। जी, धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।